Class 12, Flamingo, Chapter 1, The Last Lesson. समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी. ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये उन दिनों के बारे में लिखा गया है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी, जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी और प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और उन्होंने फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि एल्सेस और लॉरेंस को पे कब्ज़ा कर लिया था. वो उनके हाथों में था और उन्होंने वहाँ पे अपनी लैंग्वेज इम्पोज करी थी कि अब फ्रांस में जर्मन लैंग्वेज सीखी जाएगी और पढ़ी जाएगी, तो और फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया गया था. तो ये जो स्टोरी है ये इसी के बारे में है, विद द थीम ऑफ लैंग्वेज इम्पोजिशन एंड लैंग्वेज लॉयल्टी. तो ये जो स्टोरी है ये एक स्कूल के बारे में है, स्कूल के अंदर सेट की गई है. लेट्स स्टार्ट. फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस दिन फ्रांस जो है वो सुबह बहुत लेट अपने स्कूल के लिए निकला. ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड बिकॉज एम हेमल वॉज टू क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे पता कि था कि उसे डांट पड़ेगी एम हेमल से, जो कि उनके टीचर हैं. वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स एक टॉपिक है ग्रामर का और उसे उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं पता. ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. वो सोचता है कि वो भाग जाए और पूरा दिन बाहर बिताए. द वॉर्म्स bright day, the chirping birds and the Prussian soldier drilling in the open field back on of the sawmill were tempting, but he resisted the temptation and hurried off to school. बहुत ही अच्छा दिन था, ब्राइट डे था, बर्ड्स जो हैं वो चर्प कर रही थी, मतलब आवाज़ें निकाल रही थी. सोल्जर्स जो हैं वो चल रहे थे फील्ड के अंदर और ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन जो फ्रांस है उसने अपने आप को कंट्रोल किया. वो चाहता था कि वो ये सब देखे लेकिन वो फिर जल्दी से स्कूल चला गया. देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल. जब वो जाता है वो देखता है कि जो टाउन हॉल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के पास. वॉचर द ब्लैक स्मिथ आस्क फ्रांस नॉट टू गो फास्ट. जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ होता है वो फ्रांस से कहता है ज़्यादा जल्दी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल. ही अश्योर्ड द बॉय डैट ही वुड नॉट गेट हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. कि तुम्हारे पास टाइम है तुम आराम से चले जाओ. तो वो जब जाता है स्कूल. यूजुअली देयर वॉज अ ग्रेट हसल बसल व्हेन द स्कूल बिगेन बट दैट डे एवरीथिंग वॉज अ क्वाइट अ संडे मॉर्निंग. रोज़ जैसा होता था जब वो स्कूल जाता था तो बहुत चहल पहल और आवाज़ें आती थी, लेकिन जब वो आज स्कूल गया तो सब कुछ शांत था. ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग है, स्कूल है ही नहीं, सब कुछ शांत था. थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. वो जब जाता है फ्रांस तो वो विंडो से देखता है कि जो उसकी क्लासमेट्स हैं वो पहले ही अपनी जगह पर हैं और एम हेमल ऊपर नीचे घूम रहे हैं अपने हाथ में अपने आर्म में एक टेरिबल बहुत भयंकर सा आयरन रूलर लेके. फ्रांस ओपन द डोर. फ्रांस दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है. ही ब्लश्ड एंड वॉज फ्राइटेंड. वो बहुत डरा हुआ होता है. एम हेमल वेरी काइंडली आस्क हिम टू गो टू हिज प्लेस. जो एम हेमल है वो उसे बहुत ही आराम से बोलते हैं कि तुम अपनी जगह पर चले जाओ. फ्रांस नोटिस दैट देयर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. तो वो देखता है नोटिस करता है कि जो उनके टीचर है एम हेमल उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का एक कोट पहना होता है, उनकी शर्ट फ्रिल्ड होती है, ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी होती है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होती है. जो सिर्फ ये सारे कपड़े इंस्पेक्शन या प्राइस डेज पे पहना करते थे. द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस. जो बैक बेंचेस है क्लास की जो यूजुअली एम्प्टी रहती थी वहाँ पे उसने देखा कि जो विलेज के लोग हैं वो बैठे हुए हैं चुपचाप. एवरीबडी लुक्ड सैड. सब लोग बहुत उदास थे. एंड हॉसर हैड ब्रॉट हैंड ओल्ड प्राइमर. और हॉसर वहाँ का कोई रहने वाला वहाँ पे अपनी एक ओल्ड प्राइमर भी लाया था, बुक भी लाया था. एम हेमल सेड दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम. तो फिर एम हेमल उन्हें बताते हैं बच्चों को, क्लासमेट्स को, स्टूडेंट्स को कि ये लास्ट लेसन है वो जो ये दे रहे हैं एम हेमल.
Henceforth, only German was to be taught in the school of Alsace and Lawrence. और वो बताते हैं कि फिर यहाँ पे और Alsace and Lawrence में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे. अब उनसे कहते हैं कि कल से तुम्हारे न्यू मास्टर जो हैं जर्मन के आने लगेंगे. दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. वो उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है. ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव. वो चाहता था कि सभी बच्चे बहुत अटेंटिवली ध्यान दें क्लास में, क्योंकि वो उनके फ्रेंच क्लास थी, लास्ट फ्रेंच क्लास. फ्रांस फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली. फ्रांस को बुरा लगता था, लगा कि उसने अपने लेसन ढंग से नहीं लर्न करे. द आइडिया दैट एम हेमल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल हिज रूलर. जब नरेटर को ये रियलाइज हुआ कि अब एम हेमल चले जाएंगे और अभी आगे से नहीं पढ़ाएंगे, तो ये ख्याल सोच के वो उनके रूलर और उनके क्रैंकी बिहेवियर को भी भूल गया. Now Franz understood why M. Hemel has put on his fine Sunday clothes and why the old man of the village was sitting there. अब Franz को ये realize होता है कि जो सर हैं M. Hemel, उन्होंने ये नए clothes क्यों पहने हुए हैं, Sunday fine clothes, और जो village के लोग हैं वो पीछे क्यों आए हैं. वो master को thank बोलने आए हैं क्योंकि वो 40 साल से school में पढ़ा रहे हैं, faithful service दे रहे हैं, तो वो उन्हें respect show करने आए हैं फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, उस कंट्री की तरफ से जो अब उनकी है ही नहीं. एम एम हेमल आस्क फ्रांस टू रिसाइड बट ही स्टूड देयर साइलेंट. तो फ्रांस को जो एम हेमल सर है वो कहते हैं स्टोरी पढ़ने के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए, तो जो फ्रांस है वो चुपचाप खड़े हो जाता है. तो जो टीचर है वो फ्रांस को नहीं डांटते. द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, ही कन्फेस्ड दिस हिज पेरेंट्स एंड ही वर अ फॉल्ट. और बल्कि वो कहते हैं कि फ्रांस की गलती नहीं है बल्कि उसके पेरेंट्स और टीचर की गलती है. देन ही टॉक्ड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज. फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, जो कि बहुत क्लियर है और बहुत लॉजिकल है. ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट. वो बोलते हैं स्टूडेंट से कि हमेशा इसे गार्ड करके रखो, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखो और कभी भी इसे भूलना मत. द लैंग्वेज वॉज द की टू प्रिजन, कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ये एक तरह से की है टू देयर प्रिजन. देन दे हैड देयर लेसन इन ग्रामर राइटिंग. फिर जो एम हेमल सर हैं उन्होंने उन्हें लेसन दिया ऑन ग्रामर एंड राइटिंग. द पिजन कूड वेरी लो ऑन द रूफ. जो पिजन्स हैं वो छत पे बहुत धीरे धीरे आवाज़ें निकाल रहे होते हैं. तो फ्रांस जो है वो अपने मन में सोचता है कि जो प्रशियन लोग हैं क्या वो पिजन से भी गए कि वो जर्मन में गाना गाए. तो वो एक तरह से एक उल्हाना दे रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है. ऑल द वाइल एम हेमल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. मतलब इस जब ये सब चल रहा था तो जो एम हेमल है वो मोशनलेस अपने चेयर पे बैठे थे और वो हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे. हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रम्स इन द रूफ अबव एज दे हैड टू लीव द कंट्री. जो एम हेमल की सिस्टर है वो उनका ट्रंक पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें निकलना था अगले दिन. आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. फिर उन्होंने हिस्ट्री में एक लेसन दिया. एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बू. इवन ओल्ड हैज़र वॉज क्राइंग. जो ओल्ड हॉजर है वो भी रोने लग गया. ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. क्लॉक जो है उसमें जो चर्च की क्लॉक है उसमें 12 बज गए. एंड द मिड डे प्रेयर और मिड डे प्रेयर हुई. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, जो प्रशियंस के ट्रम्पेट हैं, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज. हेमल स्टूड अप. हेमल खड़ा हो गया. ही वॉन्टेड टू स्पीक बट समथिंग चॉक थी. वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो एकदम से अटक गया. देन ही टुक अ पीस ऑफ चॉक. फिर वो एक चॉक उठाता है और वो ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख सकता है जितना वो लिख सकता है. विव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस. आफ्टर हिज ही स्टॉप्ड ही लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल विदाउट अ वर्ड. कुछ बोलते नहीं है, वो ऐसा गेस्चर मतलब साइन करते हैं, इंडिकेट करते हैं विद हिज हैंड दैट द स्कूल वॉज डिमिनिश, की अब छुट्टी हो चुकी है और जो बच्चे हैं वो जा चुके हैं. तो इस स्टोरी में हमें पता चला कि ये जो स्टोरी में है कि फ्रांस बच्चा था और वो बिल्कुल पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये
लास्ट ये है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, उसे बहुत बुरा लगता है स्कूल के लिए भी, सर के लिए भी, और जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी कंट्री के लिए, वो हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए और हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट. If you like it, please do hit the subscribe button and do not forget to click on the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. Hit the like button if you like this video. Share to your friends to help them. Comment if you have any question related to this chapter and any improvement which I can make. Thank you.